कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से सोशियोलॉजी के एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करवाए जाते हैं। हम लोग यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है उसे पूरा यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। और साथ ही साथ यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, जो कि आपका राजस्थान सेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपको यूजीसी नेट का ही सिलेबस राजस्थान सेट में पढ़ना होगा, तो उसको भी हम लोग कवर करते आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की थ्योरी को देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें और मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग नोट्स करते जाएं। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरी एक शिकायत भी है कि मैं आपको जो बोलती हूँ कि नोट कीजिए नोट कीजिए, तो नोट करने के लिए मेरा बोलने का उद्देश्य यही है कि अगर आप, क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी क्या है, एक इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको सारे टॉपिक्स आपको याद नहीं रहेंगे। तो अगर आप नोट्स बनाकर नहीं रखिएगा तो फिर आप रिवीजन कैसे कर पाइएगा। मैंने देखा है कि मैं आपको हमेशा हर एक क्लास में बोलती हूँ कि फ्रेंड्स नोट्स कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, लेकिन आज तक आप लोगों ने किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैम मैं नोट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आप लोग को बताना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि नोट्स हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर आप किसी दिन, आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं भी लगता, आप थोड़ा बोर फील करते हैं, तो उस दिन का क्लास तो आपको मिस जाएगा। तो अगर आप बाद में फिर उसको रिवीजन करते हैं तो ये तो आपके ही लिए ही काम में आएगा। इसलिए नोट्स बनाने के लिए सीखिए। मैं जो बता दे रही हूँ, सिर्फ वीडियो देख लेने से क्लास कंप्लीट नहीं होता है। आपका नोट्स जब तक आपके हाथ में नहीं रहेगा, आप टॉपिक को जब तक पूरा डिटेल्स में नहीं जानेंगे, इस सब्जेक्ट को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट्स अपना बनाते जाइए, और नोट्स के बनाने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने अपने नोट्स को कितना दूर तक कंप्लीट किया है। तो चलिए और ज्यादा हम लोग बातें नहीं करते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग फंक्शन, डाइस फंक्शन और नाउन फंक्शन के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किनकी थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है ये रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की थ्योरी है, जिन्हें हम लोग आर के मार्टिन के नाम से भी जानते हैं। इनकी दो थ्योरी और है, एक है मिडिल रेंज थ्योरी और एक डेविएंस थ्योरी, जिसको अलायंस थ्योरी भी बोला जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, उसकी क्लास पहले हो चुकी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक एक करके टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और बहुत ही एकदम स्लाइट इसमें अंतर है, लेकिन अगर आप इस अंतर को नहीं पहचान पाते, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए क्लास को ध्यान से तक देखिए। देखिए फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रकार। अगर हम बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी के अंतर्गत हमारा जो समाज होता है, समाज में ऐसी बहुत सारे संस्थाएं होती हैं जिनसे मिलकर क्या बोलता है, समाज भर की संरचना की जाती है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है ये क्या किया है, बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर बना है। जैसे इसके अंतर्गत आपका मैरिज आएगा, इसके अंतर्गत आपका एडुकेशन आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपका रिलीजियन आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपका पॉलिटिक्स आ जाएगा, इसके अंतर्गत इस प्रकार से और जितने भी हैं आपके जो फैमिली आ जाएंगे आपके। तो ये सभी चीजों से मिलकर क्या बनता है, इस सोसाइटी की संरचना की जाती है। सभी का अपना अपना काम है, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है कि अगर उसके क्षेत्र में, मान लीजिए जैसे हम फैमिली ही लेते हैं, तो फैमिली में अगर उसकी संरचना में, उसके बनावट में अगर गड़बड़ हो जाए तो ये किसको इफेक्ट करेगा, ये सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। तो कोई भी एक ऐसा तत्व नहीं है, कोई भी एक ऐसा हमारा विषय वस्तु या बोलिए टॉपिक बोलिए या कमिटी बोलिए या संरचना का स्वरूप बोलिए नहीं है जो कि हमारे सोसाइटी को इफेक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य है।
और ये जो व्यवस्था है, ये छोटे छोटे जो व्यवस्था है, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है, इनसे जो मिलकर वो एक साथ काम करते हैं, काम करने के बाद वो किसकी संरचना कर रहे हैं, तो सोसाइटी की संरचना कर रहे हैं। तो इसको ही, इससे जो बेहतर रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाता है, प्रकार्य कहलाता है। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो प्रकार्य के नाम से जानेंगे। आप देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि आप दुकान में जा रहे हैं, दुकान में जाने के बाद आप कोई एक मोबाइल कोई हैंडसेट खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि इसमें कितना GB रैम है, इसका जो डाटा कलेक्शन कैसा है, इसका फ्रंट कैमरा कैसा है, इसका बैक कैमरा कैसा है, ये स्मूथ चल रहा है कि नहीं। तो सारे जो मोबाइल के फंक्शंस हैं, जो उसके संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर, उसको आप लोग देखते हैं, उसका कलर ठीक है कि नहीं, वो आपके हैंड में ठीक से बैठ रहा है कि नहीं, सबको देखते हैं। देखने के बाद आप बोलते हैं कि हाँ ये मोबाइल अच्छा काम कर रहा है, इसका जो बनावट है, इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है इस मोबाइल का, वो क्या हो रहा है, अच्छा है। तो हम बोलते हैं कि हाँ ये मोबाइल अब अच्छा फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी उसमें अगर कमी रहेगी, किसी भी एक चीज में अगर उसका रैम ही कम हो जाए, उसका कैमरा ही कम हो जाए, तो बोलेंगे नहीं इसका तो ये फंक्शन खराब है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से सोसाइटी के अंतर्गत ये जितने भी प्रकार के फैमिली हो गए, रिलीजन, एडुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, सबका अपना अपना क्षेत्र में महत्वपूर्ण वो काम करता है। और कोई भी काम अगर गलत हो जाता है तो वो सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो प्रकार के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन को देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हम सभी जानते हैं कि हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी के अंतर्गत क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करने के लिए दो चीजों से कंट्रोल किया जाता है। एक तो हो गया कि आपको लॉ के माध्यम से, कानून के माध्यम से कंट्रोल होगा, और एक रिलीजन के माध्यम से। तो रिलीजन क्या करते हैं, हम मनुष्यों के ऊपर, हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो रिलीजन कुछ अच्छा काम भी करते हैं, कुछ बुरा काम भी करते हैं। अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो प्रकार्य के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अगर बुरा कुछ इफेक्ट हो रहा है, जैसे कुप्रथाएं, कुरीतियां, जो रूढ़िवादी प्रथाएं आ जाएंगी, तो फिर वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, डाइस फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, अकार्य के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चीज है वो प्रकार्य के अंतर्गत आ गया, जितना भी निगेटिव है वो अकार्य के अंतर्गत आ गया। ऐसा नहीं है, किसी किसी विशेष क्षेत्र परिस्थिति में ये इफेक्ट करता है, हर जगह पे इफेक्ट नहीं करता है। जैसे देखिए मैंने बताया फैमिली, अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपको ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलेगी, तो ज्वाइंट फैमिली क्या है, वो हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि परिवार के जितने भी लोग हैं सबके भरण पोषण का दायित्व परिवार के मुखिया के ऊपर रहता है, सबको समय समय पर उसके अनुसार पैसा दे दिया जाता है, छोटे बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छे से होता है, जितनी भी आवश्यकताएं हमारी हैं सब ज्वाइंट फैमिली में एक जो हमारे बुजुर्ग है उनको कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज अगर नगरों में रहेंगे तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे लिए अकाड़े का काम करेगा। कैसे करेगा कि एक तो ज्वाइंट फैमिली में एक दो लोग नहीं रहेंगे, 7 से 8 लोग का रहना तो आवश्यक ही होगा, तो उसके लिए एक बड़े क्षेत्र की भी आवश्यकता होगी। और शहरों में बड़ा क्षेत्र में रहना, अगर मान लीजिए आप वो भाड़े के घर पे ही रहते हैं, रेंट पे ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि नगर का जीवन को व्यतीत करना बहुत महंगा होता है, हर चीज वहां पे कॉस्टली रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति परिवार में काम नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार के जो बुजुर्ग है सबको समान पैसा दे दे रहे, सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे, तो जो व्यक्ति काम नहीं कर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आलसी बन जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो उस जगह पर नगर के क्षेत्र में जो एकाकी परिवार है वही अच्छा होगा, वही उसके लिए वही लाभदायक साध हो, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है इससे क्या होगी, व्यक्ति की ठीक रहेगी, किसी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि नगर के क्षेत्र में जहाँ फैमिली अकार्य का काम कर रही है, वही
ग्रामीण क्षेत्र में फैमिली जो है ज्वाइंट फैमिली वो प्रकारे का काम कर रही है। तो आप फंक्शन और डाइस फंक्शन को समझ लीजिए। आप इसको रिलीजन के क्षेत्र से भी देख सकते हैं कि रिलीजन क्या कर रहा है, हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, हमारी रक्षा करता है। तो नॉन फंक्शन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, नकारे आ जाएगा। नकारे का मतलब हो गया कि कोई भी चीज जिसका हम लोग पहले तो समाज के अंतर्गत उसका मूल था, लेकिन अभी वर्तमान में उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे देखिए, आप लोगों ने धर्म पढ़ा होगा, रिलीजियन पढ़ा होगा। रिलीजियन को भी मैंने बताया कि ये सोसाइटी के संरक्षण में, इसके फंक्शन में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो जो धर्म है, हम लोग प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो धर्म है वो 16 संस्कारों की बात करता है। तो ये जो 16 संस्कार है, इसमें ऐसे बहुत सारे संस्कार है जो कि हमें सामाजिक प्राणी बनाने के लिए कहता है कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, हमारे दूसरे के ऊपर किस प्रकार से हमारा जो बोलचाल है वो कैसा हो, हम सात्विक भोजन कैसे ग्रहण करें, हम शुद्ध कैसे रहें, हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारा जो रहन सहन है वो सुरक्षित कैसे हो। तो ये सब चीजें जो है हमें 16 संस्कारों में पता चलता है। लेकिन क्या अभी प्रेजेंट के समय में हम लोग सारे 16 संस्कार को करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये जो 16 संस्कार है हमारे लिए नकारे का काम कर रहे हैं, नॉन फंक्शंस का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसका पहले उपयोगिता था लेकिन अभी प्रेजेंट के समय में हम लोग उसको यूज में नहीं ला रहे हैं। तो वो हो गया नकारे। तो आप लोग समझ गए, प्रकार का मतलब हो गया कि जो भी सामाजिक व्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयां हैं, जब सब मिलकर काम करती हैं और उसका बेहतर रिजल्ट देती हैं, तो वो फंक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। परिस्थिति विशेष में कुछ उस प्रकार का सिचुएशन रहता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, नगरीय क्षेत्र हो गया, या फिर उस प्रकार का जो भौगोलिक पर्यावरण का वातावरण हो, जहाँ पे जैसे मारे जहाँ पे पानी की कमी हो या पहाड़ अधिक हो, तो उस प्रकार की मुझे शिक्षा ही हो गया। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो अभी क्या हो रहा है कि प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी उतनी, लेकिन अभी वर्तमान समय में दी जा रही है। तो ये भी जो सोसाइटी के अंतर्गत है, ये तो समय के विशेष चेंज हुआ है एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन भी डाइस फंक्शन के अंतर्गत आएगा, जहां ये प्राचीन समय में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो अभी क्या हो रहा है, अभी वर्तमान समय में ये प्रकार का काम कर रही है। तो वो प्राचीन काल में आपका अकार्य का काम करती थी, ठीक है। तो ये और जो नॉन फंक्शन के अंतर्गत, यानी जिसका कि पहले उपयोगिता था लेकिन अभी वर्तमान में समय में हम उसे उतना यूज में नहीं ला रहे, उतना यूज टू उसके नहीं हो रहे, तो वो नॉन फंक्शन के अंतर्गत आएगा। और ये किनकी थ्योरी है, तो ये रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की थ्योरी है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।